गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATSI इंस्टीट्यूट। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, तो चलिए आज हम इसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। और न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमें इस एक्सरसाइज 5.3 में सम ऑफ फॉलोइंग APs निकालना है। सम ऑफ फॉलोइंग AP का फॉर्मूला जो होता है SN इक्वल टू N अपॉन 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1D। तो हमें पता है A क्या होता है, D क्या होता है, N क्या होता है। इसमें जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट आप खुद कर सकते हैं अगर ये समझ आ जाएगा। तो इसमें हमें ए गिवन है कितना, -37। उसके बाद जो है डी क्या होगा हमारा, A2 - A1, तो वो होगा हमारा -33 -37। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस से माइनस करते तो हमारा डी कितना निकला, 4। उसके बाद जो है हमें n गिवन है 12 टर्म्स तक हमें कैलकुलेट करना है। तो अब Sn का जो फॉर्मूला है वो रखते हैं, हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं। n कितना हो गया, 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, ए कितना था -37 प्लस n माइनस 1, 12 - 1, और d कितना है हमारा, वो है 4। अब इसको हम सॉल्व कर सकते, 12 को 2 से किया तो 6 हो गया, 37 को अगर हम करते तो माइनस का कितना आएगा हमारा, 74 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 से हम 4 को मल्टीप्लाई करते 44। तो अब हमारे पास 674 माइनस का, ये प्लस का है, तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, -30। और 6 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -180। तो इसका मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स इज 180। ठीक, आ गया समझ, सिंपल है, सारी चीज़ें हमें दी हुई है, बस हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, जिनको अगर फर्स्ट में कोई डाउट है जो अभी हमने किया था, तो एक बार हम इसका फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, इसको ध्यान से समझना ताकि बाकी क्वेश्चन खुद हो जाए। इसमें भी 1/15, 1/12, 1/10 की सीरीज जा रही है और कितनी टर्म्स तक है, 11 टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है, सम ऑफ 11 टर्म्स। तो हमें पता है ए क्या हो गया 1/15, डी क्या होता है A2 - A1, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/12 - 1/15। तो LCM हो गया हमारा कितना, 180। उसके बाद हमारा ये कितनी 15 टाइम्स, और इसमें 12 से जाए तो 15 3/180, तो 3/180 लेते हैं हम, तो 1/ कितना आता है हमारा, 60। तो 1/60 हमारा डी हो गया। बाकी हमें गिवन है एन कितना दिया हुआ है हमें, 11। तो तीनों चीज़ें मिल गई। अब हम किस में रखेंगे इसे, एस एन के फॉर्मूले में, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस एन माइनस 1D। तो जो सम ऑफ ए पीज का फॉर्मूला है एन अपॉन 2, तो एन हमारा कितना था, 11/2 2 इंटू ए, ए हमारा 1/15 प्लस एन 11 - 1, और डी हमने कैलकुलेट किया 1/60। अब 11/2 हमने को चेंज नहीं किया, अभी ये हो गया मल्टीप्लाई करके 2/15 प्लस 11 - 1 10, 10 को मल्टीप्लाई किया तो 10/60। तो इसको हम ऐसा करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं 10/60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/6। अब इन दोनों का LCM लेते हैं तो वो आता है हमारा 30, 11/2, तो 30 हमारा LCM हो गया। ये 2 से मल्टीप्लाई तो 2, 4, और यहाँ कितने से, 5 से करेंगे तो 30 आएगा, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो ये हो गया हमारा 11/2 इंटू में कितना, 9/30। अब हमें ये दिख रहा है कि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो ये कितना हो गया, 11/2, ये नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है, इंटू 3/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33/20। तो ये जो है हमारे 11 टर्म्स जो है उनका सम ऑफ APs कितना आ गया हमारा, 33/20। आगे समझ,
तो दो क्वेश्चन मैंने कर दिए, दो जो इसके बचे हुए वो आप खुद करोगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, उसमें भी हमें सम ऑफ एपी सीरीज ही पता करना है जितने भी टर्म्स हमें गिवन हो। बट इसमें क्या है, इसमें हमें एन गिवन नहीं है, नंबर ऑफ आइटम जो है हमारा वो गिवन नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमें जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, 7, 10.5, 14 ये सीरीज चलती जा रही है और लास्ट टर्म जो है तुम्हारी कितनी दे रखी है 84, ये एन गिवन नहीं है इसमें हमें। इसमें हमें एक तरीके से ए एन दिया है, ए एन या एल बोलते हैं हम लास्ट टर्म को, ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ, कैलकुलेट कर लेंगे हम। इसकी हेल्प से हम पहले एन फाइंड करेंगे, और जब हमें एन मिल जाएगा तब हम उसका यूज़ करेंगे किस में, सम ऑफ डिजिट के फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम रखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन हमें, ए दिया है 7, डी क्या होता है हमारा a2 - a1, ध्यान से समझना। तो 10.5 - 7, तो 10.5 को क्या बोलते हैं हम, 10 20 21/2 - 7 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया हमारा 14, तो ये 7/2 हमारा डी आ गया। उसके अलावा ए एन गिवन है हमें 84। अब जो पिछली एक्सरसाइज में हमने ए एन का फॉर्मूला लिखा था a+n-1d, तो इसका यूज़ करना है पहले, और इसका यूज़ करेंगे तो 84 ए एन हो गया, a जो है वो हमारा 7+n, हमें पता नहीं है -1, और d हो गया हमारा 7/2। ठीक, अब क्या करते हैं हम इस 7 को इधर ले जाते थे, माइनस का हो जाएगा, या हम बाद में भी ले सकते हैं इसको। तो 84 में से 7 गए, हमारे पास बचे 77 इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया तो 7/2n - 7/2। ठीक, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 77 = 7n - 7/2, और इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ ऊपर, तो हमारे पास हो जाएगा 77 × 2 इक्वल टू में 7n - 7। ये 7 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 7 × 14 और ये 15 154 इक्वल टू 7n - 7। ये 7 इधर गया तो हमारा ये ऐड होके 154 + 7 इक्वल टू 7n, तो 154 + 7 कितना होता है हमारा 161 इक्वल टू 7n, n इक्वल टू होगा 161/7। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 161/7 जो आया हमारा, तो 161 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 × 14 ये हमारा आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 201, तो 23, तो 23 क्या आ गया हमारा n, n हमने फाइंड कर लिया 161/7 से, तो जब हमारा n आ गया तो अब हमें n पता लग गया है 23 है। उसके बाद जो है हमारे पास सब कुछ गिवन है, a दिया है, d दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम अब sn के फॉर्मूले में इसका यूज़ करेंगे। तो sn का फॉर्मूला n/2 (2a+n-1d), तो जो फॉर्मूले में जो है n/23/2 (2a) a की जगह 7 + n 23 - 1 और d हमारा कितना था 7/2। तो अब हम इस फॉर्मूले को ही देखते हैं, 23/2 ये हो गया हमारा कितना 14, 23 में से 1 गया तो कितना 22 × 7/2, तो इससे डिवाइड हो गया, तो हमारे पास बचता है 23/2 (14+11×7) जो बचा हमारे पास 77 तो 77 और 14 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 23/2 × में हमारा 14 और 77, 7 × 4 कितने होते हैं 11, और ये 1 + 7 = 8 और 9 91 हो गया, तो 23 × 91/2 क्या करेंगे 2, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा हमारा आंसर। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा 2093/2, या तो हम यही रख देंगे या फिर जो हमें जैसे बुक में गिवन है 10461/2, तो आप यही रखोगे तब भी आंसर कोई नहीं है, गलत नहीं है। अगर बुक में ये दिया हुआ तो आप ये लेके चलोगे। ठीक।
अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है अलग अलग पॉइंट है, किसी में हमारा ए मिसिंग है, किसी में एन है, किसी में एस एन और किसी में ए एन। तो हमने अगर अभी तक जितना सीखा है अगर वो समझ आ गया तो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। दो एक दो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। जैसे हमारा एक दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 3 और ए एन कितना है हमारा 50। वो बोल रहा है कि एन और एस एन क्या करो, फाइंड करो। अब देखो ए हमें पता है, डी पता है, ए एन भी पता है। तो सबसे पहले हमें अगर ए एन गिवन है तो इसका मतलब हम एन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो ए एन इक्वल टू 50 इक्वल टू ए, ए हमारा 5 प्लस एन माइनस वन और डी दिया है 3। तो हमने इसको सॉल्व किया आगे तो 50 5 प्लस 3n माइनस 3 ये लेस हो गया 2 और ये 2 इधर गया तो कितना बच गया 48, 48 इक्वल टू 3n, तो n इक्वल टू आ गया 48 अपॉन में 3। तो 48 अपॉन 3 मतलब कितना हो गया 16, तो n तो हमारा आ गया 16, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा उसने बोला sn, अब sn के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि क्या हो गया n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमारे पास n भी है, a भी है, जो चाहिए सब कुछ है, तो बस उसमें वैल्यू पुट कर दो। n की जगह क्या रखेंगे 16 अपॉन 2 2a, a की जगह 5 प्लस n की जगह हमारा 16 माइनस 1 और d की जगह 3। तो 16 अपॉन 2 8, 5 टू 10 प्लस 16 1 माइनस करेंगे 15, 15 इंटू 3 कितना होता है 45, 45 और 10 कितने हो गए हमारे 55, 55 इंटू में क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 55 इंटू 8 5 जो कितना होता है 40, 4 8 5 जो 40 और 4 440, तो एस एन आ गया हमारा कितना 440। तो पहले हम n कैलकुलेट किया, जब n मिल गया हमें तो हमने एस एन के फॉर्मूले में उसका यूज़ किया, तो क्या मिल गया हमें एस एन। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ट्राई करके। अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था किसी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ मिसिंग हो सकती है, ए डी ए एन एस एन कुछ भी मिसिंग हो सकता है। तो जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमें ए गिवन है कितना 7, ए 13 गिवन है 35। ए 13 का मतलब हो गया कि एन कितना है हमारा 13, जब एन 13 है तो ए एन कितना है हमारा 35। फाइंड क्या करना है हमें, डी फाइंड करना और एस 13 फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं हम उसे ए एन के ही फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 13 हमें गिवन है 35, इसका मतलब क्या है कि ए जब 7 है और एन कितना है 13 है, माइनस वन और डी जो है हमारा डी फाइंड करना है। तो 35 इक्वल टू 7 प्लस 12 डी, ये 7 इधर गया तो हमारा क्या हो गया लेस हो जाएगा, 35 में से 7 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 28 इक्वल टू कितना 12 डी, और डी इक्वल टू हमारा हो गया 28 अपॉन में 12। अब ये जो है हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से हमने किया तो हमारा ऊपर कितना आएगा 7 अपॉन में कितना 3, तो 7 अपॉन 3 कितना हो गया हमारा डी आ गया, डी कैलकुलेट कर लिया। अब डी का यूज़ करते हैं हम एस 13 कैलकुलेट करने के लिए। एस 13 का मतलब है कि उसमें ए हमारा 7 यूज़ होगा, एन क्या यूज़ होगा 13। तो एस एन का फॉर्मूला जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस वन डी, तो n अपॉन 2 जो है हमारा वो कितना होगा 13 अपॉन 2 2a, a की जगह 7 प्लस n 13 माइनस वन और d की जगह हम क्या ले लेंगे 7 अपॉन 3। तो अब हम इसे रखते हैं 13 अपॉन 2 ये हो गया हमारा 14, 13 में से 1 गया कितना बचा 12, 12 को 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 से करेंगे तो 4 आएगा, तो मतलब 4 इंटू 7। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 13 अपॉन 2 14 प्लस 7 4 जा 28, तो हमारे पास जो बच रहा है 13 अपॉन 2
इंटू में कितना 28 और 42 हमारा कितना होता है 42, तो 13 अपॉन 2, 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 13 इंटू में कितना 21, तो 13 को 21 से करते हैं तो 13 इंटू 1 कितना आएगा 13, 13 का 3 1 कैरी, उसके बाद 13 इंटू 2 26 और 1 27, तो 273 क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, पहले क्या फाइंड किया हमने डी, जब डी फाइंड हो गया तो हमने डी का यूज़ किया एसएन के फॉर्मूले में और किसको निकाल लिया एसएन को। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पॉइंट, थर्ड जो पॉइंट है आपका वो आसान है, वो आप ट्राई करना। इस फोर्थ पॉइंट में कुछ नया है, उसमें क्या है कि ए थ्री दिया हमें 15, एस टेन दे रखा हमें 125, ए थ्री 15 है, एस टेन कितना है हमारा 125, फाइंड क्या करना है डी और ए टेन। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, इसलिए पहले इसको ध्यान से समझना। ए थ्री 15 है मतलब ए थ्री क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो इसका मतलब क्या हो गया ए प्लस 3 माइनस 1 डी, तो जो हमें दे रखा है कितना 15, तो 15 इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस 2 डी, ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास 15 इक्वल टू ए प्लस 2 डी। दूसरा हमें दे रखा है एस टेन इक्वल टू कितना 125, तो एस टेन का फॉर्मूला क्या होता है 125 इक्वल टू एन अपॉन 2, या पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, एस एन का फॉर्मूला जो होता है एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो एस एन की जगह हम क्या लेंगे 125 और एस टेन है तो एन की जगह 10 अपॉन में 2 टू ए प्लस 10 माइनस 1 और डी, तो अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 125 इक्वल टू 5 टू ए प्लस 90, और जो 5 ये इसको डिवाइड में चला जाएगा, तो 125 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो गया 25 इक्वल टू 2 ए प्लस 90, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, या हम क्या करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हमारे पास जो है या एलिमिनेशन मेथड किसी का भी यूज़ कर सकते हो आप। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन बन रही है हमारे पास, और ए और डी पहले फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 15 इक्वल टू ए प्लस 2 डी, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 25 इक्वल टू 2 ए प्लस 90। अब इसमें से कुछ भी कट रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, पूरी इक्वेशन को, तो 15 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 30, 2 को a से तो 2a प्लस 2d की जगह कितना आएगा 4d। अब जो है सेकंड इक्वेशन हमारे एज इट इज़ जैसे थी 25 इक्वल टू 2a प्लस 90, साइन चेंज कर देते माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गए एक दूसरे से, 90 या 4d माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा माइनस का 5d, और 25 और ये हमारा कितना हो गया 5, तो d कितना आ गया हमारा माइनस 5 अपॉन में 5 इक्वल टू कितना 1, तो d आया हमारा माइनस का 1, ये ध्यान रखना d जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या आया हमारा माइनस का 1। अब d हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, हम पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो है a इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या थी फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करते हैं उसे इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी 15 इक्वल टू a प्लस 2d, तो 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1, तो 15 इक्वल टू a प्लस माइनस 2, ये इधर गया तो a इक्वल टू आ गया हमारा 17। तो अब हमें a भी फाइंड हो गया, d भी मिल गया है, अब हमें क्या फाइंड करना है a टेन, तो a टेन जो हमारा फॉर्मूला था उसके लिए क्या यूज़ होगा a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो बस उस फॉर्मूले को यूज़ करो a n इक्वल टू a, a की जगह कितना 17 प्लस a टेन यूज़ करना है, तो 10 माइनस 1 और d क्या आएगा माइनस 1, तो 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1,
तो 9 में मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। तो जो 8n है उसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 8 हो गई। तो मतलब पहले हमने क्या किया, पूरा दो इक्वेशन कैलकुलेट की, उसके कैलकुलेट करने के बाद उन इक्वेशन को सॉल्व करके डी की वैल्यू फाइंड की। जब डी मिल गया हमें तो हमने क्या किया, उसमें फर्स्ट इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू फाइंड किया। जब ए मिल गया तो हमने जो दूसरा बोला है उसने कि जब डी फाइंड हो जाए तो हमें क्या निकालना है, ए टेन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है आपने, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, जिसके बचे हुए क्वेश्चन है पहले तो इनको देखना है जो मैंने करे इस वीडियो को, एक बार ध्यान से समझ के उसके बाद जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देखना है। जो डाउट्स होंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक। आप मेरे को कमेंट कर देना, व्हाट्सअप कर देना, उन डाउट्स को मैं बताऊंगा, बट पहले इनको ट्राई करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।